समाजसेवी अन्ना हजारे ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी है। आज अपने गांव रालेगण सिद्धि में लोकपाल की मांग को लेकर अन्ना हजारे अनशन पर बैठ गए हैं। अनशन पर बैठने से पहले अन्ना हजारे ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और लोकपाल कानून को लागू न करने का आरोप लगाया। समाजसेवी अन्ना हजारे ने कहा कि लोकपाल कानून बने 5 साल से अधिक हो गए, लेकिन सत्ता में आने के बाद से ही मोदी सरकार ने इस पर सिर्फ बहानेबाजी की है। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी के दिल में होता तो वो लोकपाल जरूर लेकर आते। अन्ना हजारे इससे पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं कि लोकपाल को लेकर उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन एक भी चिट्ठी का पीएम ने कोई जवाब नहीं दिया। अन्ना ने कहा कि मेरा अनशन किसी व्यक्ति पक्ष या पार्टी के विरोध में नहीं है, समाज और देश की भलाई के लिए मैं आंदोलन कर रहा हूँ। गौरतलब है कि इससे पहले भी अन्ना हजारे कई मुद्दों पर आंदोलन कर चुके हैं। अन्ना की मांग है कि केंद्र सरकार लोकपाल कानून को लागू करे, साथ ही महाराष्ट्र सरकार लोकायुक्त को लागू करे।